देश ने अनाज उत्पादन में जबरदस्त तरक्की की है। लगातार बंपर पैदावार से हमारे अनाज के सरकारी स्टॉक यानी बफर स्टॉक भरे पड़े हैं, लेकिन प्रति हेक्टेयर उपज की बात करें तो आज भी हम दूसरे देशों से बहुत पीछे हैं। इसकी कई वजहें हैं। तकनीकी रूप से हम अपनी खेती को आधुनिक नहीं बना पाए हैं, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे पास उपलब्ध जमीन का ज्यादातर हिस्सा कृषि योग्य नहीं है। जो क्षेत्र खेती के लायक हैं भी उनमें से भी ज्यादातर में सिंचाई की सुविधा नहीं है। अब ऐसे में हम कैसे खेती से बेहतर उपज ले पाएंगे, और जहां पानी उपलब्ध है वहां हम इसका बेतहाशा बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें पानी का उपयोग कम हो रहा है और बर्बादी ज्यादा हो रही है। इन सब का समाधान है आधुनिक सिंचाई पद्धतियां। इनमें ड्रिप स्प्रिंकलर और रेनगन सिस्टम आते हैं। देखिए ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी कितने काम की है। बहुत पुराने जमाने में भारतीय खेती के लिए कही गई एक पंक्ति का वजूद आज भी बरकरार है। अब भी भारतीय खेती को मॉनसून का जुआ ही कहा जाता है, यानी खेती के लिए सबसे मुख्य चीजों में से एक पानी के लिए मौसम पर निर्भरता आज भी खत्म नहीं हो पाई है। और जहां भरपूर पानी उपलब्ध है वहां किसान इस पानी के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, जहां जरूरी नहीं वहां भी इसका बेवजह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिलसिला रुकना चाहिए, क्योंकि कई जगहों पर पानी की कमी के कारण लोग खेती नहीं कर पा रहे। तो ये जो बचा हुआ पानी है इसका भी किसान अगर ऐसे ही दोहन करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब किसान सिंचाई के अभाव में अपने खेत को बंजर होते देखेंगे। खेती में सिंचाई के लिए जल के अत्यधिक दोहन से बचना होगा और फसलों की सिंचाई में काम आने वाली आधुनिक तकनीकों को अपनाना होगा। जब आप इनके बारे में जानेंगे तो आपको हैरानी होगी कि परंपरागत सिंचाई के तरीकों से हमने जल की कितनी बर्बादी की है। सिंचाई की उन्नत तकनीकों में सबसे पहले बात करेंगे ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई पद्धति की। सिंचाई की ऐसी विधि जिसमें जल को बेहद धीमी गति से बूंद बूंद के रूप में फसलों के जड़ क्षेत्र में एक पतली प्लास्टिक पाइप से पहुंचाया जाता है। टपक सिंचाई उन क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है जहां जल की कमी होती है, खेती की जमीन समतल नहीं होती है और सिंचाई प्रक्रिया खर्चीली होती है। फसलों की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ इस विधि से उपज की उच्च गुणवत्ता, रसायन और उर्वरकों का दक्ष उपयोग, खरपतवारों में कमी और जल की बचत की जा सकती है। ड्रिप यानी बूंद बूंद सिंचाई, इसमें पर पौधे की आवश्यकता के अनुसार जल जो है दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि मेन पाइप होती है अंदर और सब मेन पाइप, लेटरल सब लेटरल, और इसमें डिस्टेंस वाइज होता है। जैसे उसमें क्लोज स्पेसिंग क्रॉप होती है और वाइड स्पेसिंग क्रॉप ड्रिप सिस्टम है। एक्चुअली परंपरागत में क्या कहते हैं, हम पौधों को सिंचाई कम करते हैं, खेत को ज्यादा करते हैं। इसमें पर पौधे की आवश्यकता के अनुसार जड़ों में दिया जाता है, जिससे पानी की बचत होती है। इससे ये है कि उत्पादन जो है 40 से 60% हमारा बढ़ जाता है, पानी की बचत 70% हो जाती है। पारंपरिक सिंचाई की तुलना में टपक सिंचाई के कई लाभ है। इसमें जल उपयोग दक्षता 85% तक होती है। इस सिंचाई विधि में फसलों की पैदावार 150% तक बढ़ जाती है। टपक सिंचाई विधि से चूंकि खेत के खाली हिस्सों में पानी नहीं पहुंचता, तो इससे खरपतवार भी नहीं उग पाते। इस विधि से बलुई और पहाड़ी भूमियों को भी सफलता से खेती के काम में लाया जा सकता है। स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली या फव्वारा विधि या बौछारी प्रणाली में पानी का हवा में छिड़काव किया जाता है। इसके लिए खेत में बिछे पाइप की पाइपलाइनों में कुछ कुछ दूरी पर स्प्रिंकलर सेट लगाए जाते हैं, जिससे फव्वारा जैसे पानी निकलता है। ऐसे ही स्प्रिंकलर पे फव्वारा सिंचाई जिसको कहते हैं, इसमें पाइप बाहर रहती हैं और इसको आवश्यकता के अनुसार जो है हरी पत्तेदार सब्जियां हुई आपकी, और ये चना हुआ, लान हुआ, और फूलों की खेती में जाते हैं। ये ऊपर पाइप्स इसमें ऊपर होते हैं, इसमें लेटरल वो सब राइजर लगा रहता है और उसमें स्प्रिंकलर रहता है जो पानी को लगभग 4 फुट के ऊपर से वो करता है। उससे क्या होता है कि नाइट्रोजन जो मॉइस्चर में होती है उसको सीधे जो है जड़ों में, पौधों में जाती है। इससे उसकी बढ़वार बहुत अच्छी होती है, जिससे हम इसको मटर में डाल सकते हैं, आलू में भी डाल सकते हैं और हरी पत्तेदार सब्जियां, इससे उत्पादन काफी अच्छा हो जाता है।
फव्वारा सिंचाई पद्धति बहुत प्रचलित है, जिससे पानी की लगभग 30 से 50% तक बचत की जा सकती है। ये विधि बालू मिट्टी या कम पानी वाली ऊंची नीची जमीन पर प्रयोग की जाती है। सिंचाई के परंपरागत तरीकों के मुकाबले इस विधि से सिंचाई करने पर सिर्फ 50 से 70% पानी की जरूरत होती है। जमीन समतल करने की भी जरूरत नहीं होती। लागत के हिसाब से भी जो है इस पर सब्सिडी दी जा रही है। एक हेक्टेयर पे 30,000 से लेके लगभग 1,25,000 सब्सिडी लागत आ रही है एक हेक्टेयर पर, और इसे सब्सिडी सरकार द्वारा 90% निर्धारित की है लघु और सीमांत किसानों के। खेतों में सिंचाई के लिए बूंद बूंद और फव्वारा तकनीक के बाद अब रेनगन तकनीक भी आ गई है, जो 20 से 60 मीटर की दूरी तक प्राकृतिक बरसात की तरह सिंचाई करती है। इसमें कम पानी से अधिक क्षेत्रफल को सींचा जा सकता है। सब्जी और दलहनी फसलों के लिए ये माइक्रो स्प्रिंकलर सेट बहुत उपयोगी है। इससे बरसात जैसी बूंदों से सिंचाई होती है। अब आप सिंचाई की इन नई पद्धतियों को जानकर ये समझ गए होंगे कि परंपरागत सतही सिंचाई पद्धति के मुकाबले ये पानी की कितनी बचत करने वाले सिस्टम है। इनसे फसलों को मृदा में मौजूद पोषक तत्व और उनकी जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन भी आसानी से मिल पाती है, तो पानी की बर्बादी रोकने के साथ साथ आपकी फसलों की क्वालिटी और क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। यानी आधुनिक साधन अपनाकर आप भी बन सकते हैं आधुनिक किसान, पा सकते हैं पंप पर उपज ज्यादा मुनाफा। कृषि दर्पण, जी मीडिया। और अब देखिए कुछ प्रमुख फसलों और फलों की प्रमुख मंडी में चल रहे अधिकतम और थोक भाव की जानकारी। कृषि दर्पण में दिलचस्प नई जानकारियों से भरे रिपोर्ट के साथ कल फिर सुबह 6:30 होंगे हाजिर। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार। लगाए एक तो पाए 10, ना भूमि ना क्यारी, घर में लगाए फुलवारी। कृषि दर्पण। खेती में लाभ नुकसान का गणित ज्यादा उलझाऊ नहीं है। अगर कुछ शर्तों को पूरा कर दिया जाए तो यह न सिर्फ कमाई का बेहतर जरिया है, बल्कि इससे लागत की 10 गुनी तक कमाई की जा सकती है। बस इसके लिए सही तरीके से खेती करने के साथ ही मार्केट डिमांड को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कैसे सिर्फ 1 एकड़ की खेती से महज 2 महीने में ही लाख तक की कमाई हो सकती है, यह जानने के लिए देखिए मूली की खेती पर यह रिपोर्ट। लोगों को अक्सर ये शिकायतें रहती हैं कि खेती में नुकसान ज्यादा और लाभ कम है। ये सोच एक धारणा की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी आती गई और युवकों का अपने गांव खेत से पलायन होता चला गया। हालत ये हो गई कि अपने खेत छोड़कर लोग कुछ हजार की नौकरी या दूसरे धंधों में खुद को खपाकर आजीविका ढूंढने लगे। ऐसे लोगों की आंखें खोल देगी कुरुक्षेत्र की रविंद्र की लाभ वाली खेती। 1 एकड़ की खेती से मात्र 40 दिनों में 90,000 की कमाई करने वाले रविंद्र भी अपने खेत होते हुए टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से किसी तरह अपनी आजीविका चला पाते थे। लेकिन एक बार जब उन्होंने अपने खेतों का रुख किया तो लाभ देखकर पूरी तरह खेती में लग गए। रविंद्र ने अपने 1 एकड़ के खेत में मूली लगाई। खर्चा महज 10,000 रुपए का हुआ। फसल तैयार है और आधे खेत से 50,000 की मूली अब तक उखाड़ी गई है। और ये मूली कम से कम 2 महीने में तैयार होती है। ये मतलब 1 किले में 200 क्विंटल मूली निकल जाती है और इस मूली का कम से कम 1,00,000 रुपए का किला बैठ जाता है। कम से कम इसमें मैंने आधा एकड़ इसमें से पाट लिया है, उसमें से कम 50,000 की मूली हो चुकी है। इसमें टोटल खर्चा 1 किले में 10,000 के करीब आता है। रविंद्र अब एक सफल किसान बनने की राह पर है। नई नई फसलों पर नए नए प्रयोग करते हैं।
आप भी जानना चाहते होंगे उनकी लाभ वाली खेती के तरीके, तो सुनिए रविंद्र ने कैसे जुताई की, रिज बेड तैयार किया और कितनी सिंचाई की। ये मूली जी 2 महीने में तैयार हुई है और शुरू में हमने इसकी 4 बार जुताई कराई है। शुरू में इसमें मतलब DAP डाला, पहले DAP डालने के बाद इसमें ट्रैक्टर से डोल कटवाई और फिर इसमें बीज लगाया और फिर इसमें पानी दिया। डोल की दूरी कम से कम 1 फीट होती है, बीज से बीज 1 इंच। इस तरह न ज्यादा खर्च न ज्यादा समय, सिर्फ 10,000 की लागत और 40 दिन में सिर्फ 1 एकड़ से 1 लाख तक की कमाई का फार्मूला भला कौन नहीं अपनाना चाहेगा। दरअसल आज के समय में मूली किसी खास मौसम की नहीं रह गई है, इसे किसी भी समय लगाया जा सकता है। वैसे सामान्य तौर पर मैदानी क्षेत्रों में इसकी बुआई के लिए सितंबर से फरवरी तक का समय अच्छा रहता है। 5-6 जुताई कर खेत तैयार किया जाता है। मूली की 1 एकड़ खेती के लिए 2 से 3 किलो बीज पर्याप्त होता है। इसकी बुआई खेत में मेड़ बनाकर की जाती है। बीजों का उपचार जरूर करें, इसके लिए थीरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। दूसरी फसलों की तरह मूली की भरपूर पैदावार के लिए जरूरी है कि उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव करें, जिसमें प्रमुख हैं पूसा हिमानी, पूसा चेतवी, पूसा रेशमी, हिसार मूली नंबर 1, पंजाब सफेद, रैपिड रेड और व्हाइट टिप। अलग अलग किस्म अलग अलग परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होती है, जैसे पूसा चेतवी अत्यधिक तापमान वाली जगह और समय के लिए ज्यादा उपयुक्त है। रविंद्र भी अपने पिछले दिनों को याद करते हैं और उसकी तुलना आज की कमाई से करते हैं तो खुशी और संतोष से उनकी आंखें चमक उठती हैं। वो दूसरे युवकों को भी सलाह देते हैं कि अपने खेतों को न छोड़ें, वो ज्यादा लाभ देंगे। पहले जी मेरा टूर ट्रेवल्स का काम था और वो इतना खास चला नहीं, मैं इसलिए मेरे खुद की जमीन है, मैंने सोचा चलो खेती करके देखता हूँ, तो मैंने खेती करी तो मेरे को अच्छा लगा और उसमें कम समय में बहुत फायदा है, अच्छी बचत है। मैं तो यही चाहूंगा कि अपने आने वाले वर्ग को खेती करनी चाहिए। जरा सोचिए, जब मात्र 1 एकड़ से केवल 40 दिनों में लगभग 1 लाख की कमाई हो सकती है तो साल भर में कितनी आमदनी होगी। बस बाजार मांग के अनुसार फसलों के चुनाव की जरूरत है, तो आपको अपने खेत होते हुए शहरों में जाकर छोटी मोटी नौकरी की तलाश में दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रविंद्र की मूली की खेती इसका अच्छा उदाहरण है, आप भी इसे आजमा सकते हैं। कृषि दर्पण, जी मीडिया। आज शहरों में लोग पॉल्यूशन से काफी परेशान हैं, फिर भी वो एक दूसरे पर इसकी जिम्मेदारी डालकर खुद को पाक साफ साबित करने के अभियान में लगे हुए दिखते हैं। जबकि हवा को जहरीली होने से बचाना तो हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आप इसमें ज्यादा कुछ कर पाने की स्थिति में ना हो तो भी अपने आसपास फूल फल या सब्जियों के पौधे लगाकर हवा में ऑक्सीजन की कुछ मात्रा तो आप बढ़ा ही सकते हैं। अब इसमें भी ना नुकर मत कीजिए, वो कहते हैं ना कि ना भूमि ना क्यारी, घर में लगाएं फुलवारी। अगर आप पौधों को रोपना, उन्हें बड़े होते देखना और उनमें फूल फल आता देखकर आनंदित होना चाहते हैं तो कीजिए गार्डन फार्मिंग। घर के आगे या छोटी जगह पर पौधे लगाने में भी कुछ एहतियात बरतना पड़ता है, तो जानिए गार्डन फार्मिंग के खास टिप्स। शौक कह ले, जरूरत या वास्तु को अपनाना, हर किसी की चाहत होती है हरियाली से भरे गार्डन। अगर फल सब्जी उगाते हैं तो जरूरतें पूरी होती हैं। अगर तरह तरह के फूल उगाते हैं तो मन मस्तिष्क को सुकून पहुंचाते हैं। लेकिन हर साल में कम से कम अपने आसपास हरियाली के साथ ऑक्सीजन की मात्रा तो बढ़ा ही लेते हैं। स्वच्छ हवा के इस घनघोर अकाल के युग में ये एक संजीवनी के समान है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र भी कहता है कि अपने आसपास हरियाली रखना आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। दरअसल घर के पास बगीचा बनाने के लिए सबसे पहले क्यारियां तैयार करें, क्यारियों की मिट्टी को भुरभुरा बना लें, इसमें सड़ी गोबर की खाद डालें। अब
अपने गार्डन के खेत के क्यारी को तैयार कर लें, उसमें को दो तीन बार उसकी कुड़ाई कर लें। कुड़ाई झुराई करने के बाद मिट्टी को ठीक से करके भुरभुरा करके उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद, थोड़ा सा फाली डाल पाउडर, ताकि उसमें दीमक वगैरह का अटैक न होने पाए। गार्डनिंग के लिए आपके पास खाली जमीन कितनी है, इस पर निर्भर करता है कि आप इसमें अगर फूल लगाते हैं तो उनका क्रम क्या हो। जैसे बाहर से देखने पर पहले छोटे फूल दिखे, उनके पीछे उनसे बड़े, और इस तरह सबसे अंत में दीवार के पास सबसे बड़े पौधे या बड़े फूल। इन्हें इस क्रम में सजाना आपके गार्डन को बेहद खूबसूरत रूप देगा। थोड़ा गार्डन यदि आपका बड़ा है तो गार्डन में बड़े पौधे होने चाहिए। बड़े पौधों के रूप में आप डहेलिया, ग्लेड, इस तरह की चीजों को लगाएंगे। डहेलिया दूर से दिखने लगता है, कास्मिया, कास्मस, कास्कोम्स, ये दूर से दिखने वाले पौधे हैं। तो दूर से दिखने वाले पौधों के ठीक आगे एक रो में आप लगाएं कि पहला बड़ा पौधा लगा दिया डहेलिया, फिर थोड़ा उससे छोटा कास्कोम लगा दिया, फिर थोड़ा उससे नीचे गेंदा गेंदी लगा दिया, फिर गेंदी के नीचे आप पेंजी पिटोनिया, इस टाइप के छोटे पौधों का। तो आपके गार्डनिंग का एक रुख होगा, वो एक सिमेट्रिकल होगा कि ऊपर से नीचे की तरफ आप आएंगे और दूर से आपका गार्डन दिखेगा। अगर आप गार्डनिंग करने का विचार कर रहे हो तो आपको बीज या पौधे का इंतजाम करना होगा। लगभग हर जिले में एक सरकारी नर्सरी होती है जहां से आप पौधे ले सकते हैं, नहीं तो प्राइवेट नर्सरी या खाद बीज की दुकानों का भी रुख कर सकते हैं। हर जिले में सरकारी नर्सरियां हैं, इन नर्सरियों से आप इन पौधों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर किन्हीं कारणों से इन नर्सरियों पर पौधे की उपलब्धता कम हो तो आप बाहर के किसी भी नर्सरी से जाएं, या किसी भी खाद बीज की दुकान पे आप जाएंगे तो आपको छोटे छोटे पैकेटों में आजकल बीज मिल रहे हैं, आप वहां से बीज को इजिली परचेज कर सकते हैं। गार्डनिंग के शौकीन कई लोग जो शहरों में हैं मन मार कर रह जाते हैं क्योंकि यहाँ जमीन की कमी होती है। ऐसे लोग गमलों में फल फूल या सब्जी लगा सकते हैं। रूफ गार्डनिंग के लिए फूलों के साथ ही हाइब्रिड बैंगन गोभी या कलर्ड शिमला मिर्च के पौधे लगा सकते हैं। आजकल एक नया कंसेप्ट आया रूफ गार्डनिंग का। तो जैसे जिनके पास शहरों में जमीन किसी के पास नहीं रह गया है, तो जब आप शहर के करीब हो तो आप प्रयास करें कि सितंबर अक्टूबर के महीने में ही कहीं से दो चार बोरी गोबर की सड़ी हुई खाद ला लें, दो चार दस टोकरी आप मिट्टी ला करके और एक पॉलीथीन बिछा के अपने छत पे उसको रख लें, थोड़ा सा ड्राई कर लें उसको, फिर अपने छोटे छोटे गमले के पार्ट्स को भर लें। गमले के पार्ट्स जब आपके तैयार हो जाए तो उसमें पेंजी पिटोनिया, कास्मस, कास्मिया, हाइब्रिड के गेंदा, हाइब्रिड के गेंदी, इवन आप गमले में डहेलिया को भी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। रूफ गार्डनिंग में फ्लावर के साथ एक अच्छी चीज ये है कि आप हाइब्रिड के बैगन, हाइब्रिड के गोभी, हाइब्रिड के शिमला मिर्च, कलर्ड शिमला मिर्च आते हैं, तो आप फ्लावर का फ्लावर टाइप का आनंद लें और आप फल का फल भी प्राप्त करें। सब्जी जैसे बच्चे आजकल निश्चित रूप से बाजारों में वो फास्ट फूड का एक वो कल्चर है, तो जब आप कलर्ड शिमला मिर्च करेंगे तो आप बाजार नहीं जाकर के नेचुरल तरीके से अपने घर पे ही और गमलों में ये ग्रो हो रहे हैं। खेतों में जैसे फसलों को कीट रोगों से बचाना जरूरी है, उसी तरह गार्डनिंग में भी पौधों को, फूलों को माहू के अटैक से बचाना जरूरी है। आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ से। और उनकी सुरक्षा के लिए थोड़ा सा जब ठंड पड़ने लगे तो कुछ कीटनाशी और कुछ फंगिसाइड, ऐसी दवाओं का भी इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि उन पे अभी जैसे ही ठंड पड़ेगी माहों का अटैक होगा, उनके भी रोकथाम की व्यवस्था आपके पास समुचित होना चाहिए। मोनोक्रोटोफास 2.5 ml पर लीटर, कार्बेंडाजीम 2 ml घोल करके एक साथ दोनों दवाओं का प्रयोग आप करें तो आपकी फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों कंट्रोल होगा। इसके अलावा आपको स्वस्थ, खिले हुए, ज्यादा फल फूल सब्जियां तभी मिलेंगी जब पौधों को बेहतर पोषण मिले। इसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करें, फिर उसमें थोड़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट जरूर डालें, जैसे हड्डी का चूरा नीम की खली के साथ मिला करके, जिसमें बोरान, बोरेक्स, इस टाइप की जो न्यूट्रल छोटी तत्व है वो पा जाएगा और फूल में शाइनिंग और उसका फ्लावर बड़ा हो जाएगा। इस तरह आप गार्डनिंग के टिप्स अपनाकर ऐसे खूबसूरत बगीचे के मालिक बन सकते हैं जिसकी सभी तारीफ करें। कृषि दर्पण, जी मीडिया। वक्त एक ब्रेक का है।